दोस्तों रविंद्र जडेजा चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के एक बहुत ही बड़े हिस्सा रहे हैं, जिसमें रविंद्र जडेजा को इस सीजन चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की कप्तानी भी सौंपी गई थी, लेकिन बाद में जडेजा ने चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी से खुद स्टेप डाउन कर दिया था और महेंद्र सिंह धोनी वापस से हमें चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की कप्तानी करते हुए नजर आए थे। लेकिन अब एक नया ही सिनेरियो हमें देखने को मिला है, जहां पर चेन्नई सुपर किंग्स और रविंद्र जडेजा के बीच में रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सब कुछ सही नहीं चल रहा है। रविंद्र जडेजा दरअसल इंजरी के इश्यूज की वजह से आईपीएल 2022 से बाहर हो चुके हैं और रिपोर्ट्स की माने तो चेन्नई सुपर किंग्स और जडेजा के बीच में कुछ भी सही नहीं है और आने वाले आईपीएल से पहले चेन्नई सुपर किंग्स की टीम रविंद्र जडेजा के साथ अपने रिश्ते तोड़ सकती है। जडेजा सीएसके की लेगेसी में एक बहुत बड़ा हिस्सा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आईपीएल 2023 के ऑक्शन जो कि हमें अक्टूबर में देखने को मिलने वाला है, उस ऑक्शन से पहले रविंद्र जडेजा को अपनी टीम से आप लोगों को रिलीज करते हुए देखने को मिल सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी, अगर रविंद्र जडेजा चेन्नई सुपर किंग्स की टीम से रिलीज होते हैं तो ऑलरेडी ऐसी बहुत सारी टीमें हैं जो कि जडेजा को अपनी टीम में पिक करने के लिए काफी ज्यादा तैयार बैठी हैं। मुंबई इंडियंस की टीम इसके साथ ही इवन कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम भी जडेजा को अपनी टीम में शामिल करना चाहती है। तो ऐसे में कमेंट करके आप लोग बताइए कि आप लोगों के हिसाब से चेन्नई सुपर किंग्स और महेंद्र सिंह धोनी को रविंद्र जडेजा को अपनी टीम से रिलीज करना चाहिए या फिर आपको लगता है कि उन्हें जडेजा को ट्रस्ट करके वापस से उनको अपनी टीम में रिटेन करना चाहिए आईपीएल 2023 के लिए। इसके साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब।